नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच आज शनिवार दोपहर महाराष्ट्र से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची श्रमिक ट्रेन में लगभग 1000 से ज्यादा श्रमिक मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने ट्रेन पहुंचने से पहले कोरोना वायरस को देखते हुए सुरक्षा उपकरणों के साथ व्यापक प्रबंध किए हुए थे। जनपद के आला अधिकारी और चिकित्सकों की टीम स्टेशन पर मुस्तैद दिखाई दी। इस श्रमिक ट्रेन को समय अनुसार सुबह 10 बजे स्टेशन पहुंचना था, लेकिन अपने निर्धारित समय से एक घंटा लेट ट्रेन दोपहर 11 बजे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन में 45 जनपदों के लगभग 1045 श्रमिक इस ट्रेन से महाराष्ट्र यात्रा कर मुजफ्फरनगर पहुंचने पर जिला प्रशासन ने सभी श्रमिकों के लिए भोजन पानी के साथ साथ सभी की थर्मल स्कैनिंग कराई। उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के 23 बसों द्वारा श्रमिकों को इसके गृह जनपद के लिए भेज दिया है। अपर जिला अधिकारी राजस्व आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 11 बजे श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र से चलकर मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और 45 जनपदों लगभग 1045 श्रमिकों को इस ट्रेन से आना था, जिनकी सूचना तैयार कर ली गई है। सभी को घर भेजने के लिए 23 बसें लगाई गई हैं, सभी की थर्मल स्कैनिंग भी कराई गई है और सभी श्रमिकों के लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई है। यह सभी श्रमिक लॉकडाउन लागू होने के बाद से महाराष्ट्र के अलग अलग जनपद में फंसे हुए थे। श्रमिक ट्रेन 11 बजे लगभग अभी आई है और इसमें 1045 की संख्या थी जिनको आना था और उनकी सबकी सूची बना तैयार कर लिया गया है और इसमें 45 जनपदों के लोग हैं, तो उनके लिए 23 बस रूट चार्ट बना के लगा दी गई है। साथ ही साथ उनकी वहीं थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, भोजन पानी की भी व्यवस्था है और सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके उनको जल्दी जल्दी बसों में बैठा करके भेजा जा रहा है उनको उनके गृह जनपद पर। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस